गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट नंबर टू। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3xy इंटू 4x। इसका प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, जैसे 4x है, ये ब्रैकेट है, ये 4x है, तो 4x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस फिर 4x इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले 4x इससे मल्टीप्लाई होगा फिर 4x इससे और बीच प्लस है, पहले एक्स स्क्वायर इंटू 4x हो गया जिसकी टर्म पूरी प्लस, अब क्या साइन है प्लस, प्लस 3xy इंटू 4x। ये तरीका मतलब 4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये तरीका होता है ब्रैकेट ओपन करने। अब देखो 4 x की पावर 2 है, या x की पावर जो कोई ना उसका मतलब 1 होता है, और जब मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। x की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 प्लस 3 4 12। अब x और x यहां पर, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 1 है, तो कितनी हो जाएगी x की पावर 2 1। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9pqr 2p स्क्वायर क्यू माइनस 3q स्क्वायर आर। क्लियर। अब वही बात है, ये आउटसाइड का ब्रैकेट है, इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई। तो 9pqr मल्टीप्लाइड 2p स्क्वायर क्यू हो गया जी। फिर आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आप भी माइनस लगाएंगे। अब 9pqr को फिर से 3q स्क्वायर आर से 9pqr इंटू 3q स्क्वायर आर। क्लियर। अब देखो पहले ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 9 2 18। यहां p की पावर 1 है, यहां p की पावर 2 है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 1 और 2 3, p की पावर 3 होगी। यहां भी बेस है क्यू और क्यू, यहां क्यू की पावर 1 है, यहां भी क्यू की पावर 1 है, तो क्यू की पावर क्या होगी 2। आर तो यहां है ही नहीं, तो आर एक ही आर है बस यहां पे, तो आर आ गया माइनस। अब यहां पर देखो 9 और 3 9 3 27। अब देखो पी की वैल्यू यहां पर क्या है, यहां पी है, यहां पी है ही नहीं, तो पी तो पी पी रहेगा, क्यू यहां भी है, यहां भी है, यहां क्यू की पावर 1 है, यहां क्यू की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, एड 1 और 2 3, क्यू की पावर 3। क्लियर। उसके बाद आर, यहां आर की पावर 1 है, यहां भी आर की पावर 1 है, 1 और 1 2, आर 2 की पावर 2। इस तरीके से बेटा आप उनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर लेते हैं इसका बेटा। थर्ड पार्ट क्या है इसका, 3/4 a² मल्टीप्लाइड बाय 2/3 b² प्लस 8ab। इसको सॉल्व करना, तो फिर वही 3/4 a² एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। पहले क्या होगा, 3/4 a² इंटू 2/3 b² टर्न पूरी होगी, ओके। उसके बाद क्या साइन है प्लस, तो आप भी क्या लगा दो प्लस। अब 3/4 a² किसके साथ होगा, 8ab के साथ, 3/4 a² इंटू 8ab। क्लियर। इसमें थोड़ा सा आप क्या करो बेटा, अभी आप जैसे आपको एकदम से नहीं आएगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनको इकट्ठी ले लो, 3/4 इंटू 2/3 है ना, और ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर अलग लिख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग मल्टीप्लाई कर लो और वेरिएबल अलग, ऐसे यहां पर बेटा 3/4 इंटू क्या कर लोगे 8, और ए स्क्वेयर इंटू ए भी अलग कर लो, ए स्क्वेयर इंटू ए। अब आप कटिंग कर सकते हो, देखो 3 1 3 3 1 3, 2 1 2 2 2 4, और यहां पर 4 1 4 4 2 8। अब देखो ये कितने आ गया, 1 1 1 2 1 1/2 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 3 2
सिक्स, यहाँ अपॉन में तो वन ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेटा ए स्क्वायर है और यहाँ की पावर वन है, तो बेस है मतलब पावर एड हो जाए, टू और वन थ्री, तो ए की पावर कितनी होगी थ्री और ये बी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ऐसा ही है कि 7x प्लस 9y स्क्वायर इंटू 3xy स्क्वायर, क्वेश्चन वही है लेकिन हमें इसको वेरीफाई करना है, इवेलुएट करना, सॉरी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट एंड देन इवेलुएट व्हेन x इक्वल टू एंड y इक्वल टू माइनस वन, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू माइनस वन, मतलब आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, पहले आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जो आंसर आपका आएगा उसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है माइनस 1 पुट करनी है, ठीक है। तो वही तरीका ओपन वैसे करेंगे हम इसको कि 3x के y के पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ओपन करें ब्रैकेट 7x, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7x इंटू 3xy होगा इसके साथ, अब प्लस अब इसके साथ होगा 9y स्क्वायर इंटू 3xy, ठीक है 7x इंटू 3xy स्क्वायर, 9y स्क्वायर इंटू 3xy स्क्वायर, अब इनको मल्टीप्लाई 7 थ्री जब 21, यहां x की पावर 1 है यहां x की पावर यहां भी 1 है तो क्या होगा x की पावर 2, क्लियर, और यहां y स्क्वायर क्योंकि भाई तो और तो है नहीं, यही है फिर y की पावर 2 है, 9 थ्री जब 27 और यहां y की पावर 2 है यहां y की पावर 2 तो y की पावर क्या होगी बेटा 4 होगी, और x तो और है नहीं यही x है फिर ये होगी, ये हमने इसको इवेलुएट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आप इसमें x की पावर 2 और y की पावर माइनस 1 लिखो, तो व्हेन पावर नहीं सॉरी व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1, तो 21 इंटू x इज 2 2 टू दी पावर 2 एंड y इज माइनस 1 टू दी पावर 2 प्लस 27 y कितना है माइनस वन टू दी पावर 4 x कितना है 2 इंटू 2, ये हमने x और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, देखो x की वैल्यू 2 टू दी पावर 2 y की वैल्यू -1 टू दी पावर 2 प्लस 27 y की वैल्यू -1 टू दी पावर 4 x की वैल्यू 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 21 इंटू 2 टू दी पावर 2 क्या होगा 4 होगा और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव हो जाता है प्लस 27 -1 की पावर 3 इवन है तो ये क्या देगा 1 इंटू 2, कई बार बच्चे बेटे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना, पहले बोर्ड मास्क क्या करता है कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो 21 4 जा 84 प्लस 27 2 जा 54, अब इनको ऐड करो 4 और 4 8 8 5 तो इस तरीके से आपने इसको इवेलुएट करना है, क्लियर। अब इसके एक पार्ट और कर लेते हैं बेटा, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, सपोज करो या सेकंड कर लेते हैं, सेकंड पार्ट -11x 2y टू दी पावर 5 -3/11 x टू दी पावर 2 y टू दी पावर 3, पहले इसको सॉल्व करना है और फिर इसको इवेलुएट हमने करना है, क्लियर। तो क्या करेंगे भाई, -11x पहले इससे होगा फिर इससे होगा, ठीक है, -11x मल्टीप्लाई 2y टू दी पावर 5 फिर -11x इंटू कितना हो गया ये बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ध्यान जब अभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 11x इंटू 3/11 एक्स स्क्वायर वाई 3, इस चीज का ध्यान रखना बेटा, आपने जब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देना आपने, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देख लो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा 11 2 20 प्लस माइनस माइनस एक्स वाई 5,
प्लस इलेवन से इलेवन, इलेवन वन जाए इलेवन, इलेवन वन जाए इलेवन, आप कट कर सकते हो। और ये हो गया थ्री, यहाँ x की पावर वन है, यहाँ x की पावर टू है, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स की पावर थ्री और y की पावर थ्री, x की पावर टू और वन, x की पावर टू यहाँ और यहाँ वन है, तो टू और वन थ्री हो गया। अब यहां पुट कर लो आप x की वैल्यू टू और y की वैल्यू माइनस, 22 इंटू एक्स की वैल्यू 2 इंटू वाई की पावर 5 मतलब माइनस 1 टू दी पावर 5, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 मीन्स 2 टू दी पावर 3, वाई टू दी पावर 3 मीन्स माइनस 1 टू दी पावर 3। अब माइनस 22 इंटू 2 और माइनस 1 की पावर 5 ऑड आगे बेटा तो आंसर भी क्या आएगा माइनस नहीं आएगा अगर पावर ऑड हो, प्लस 3 इंटू 2 टू दी पावर 3 को टू की पावर थ्री का मतलब टू को थ्री बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा एट, अगेन माइनस वन की पावर थ्री क्या आएगा माइनस वन। अब आप इसको करो इन तीनों को मल्टीप्लाई, 22 टू जा 44, 44 बन जाए 44 और माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस, 3 एट जा 24, 24 बन जाए 24। अब इसको माइनस कर दो, 4 माइनस 4 जीरो, 4 माइनस 2 क्लियर। तो बाकी बचे क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।